जनपद सीईओ को हटाने प्रभारी मंत्री को कांग्रेसी पदाधिकारी सौंपेंगे ज्ञापन एक और जिला प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह की उपस्थिति में बड़वारा ब्लॉक में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारियां कर रही है कि कहीं कोई व्यवस्था में चूक ना हो जाए तो वही दूसरी ओर ढीम ब्लॉक के कांग्रेस पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त जनपद सीईओ के के पांडे को हटवाने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपकर तत्काल पद से हटाने की तैयारियों में पूर्व में खेड़ा कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष शर्मा के द्वारा बड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र बसंत सिंह से सीईओ की मनमानी के संबंध में शिकायत की थी जिस पर विधायक श्री सिंह ने कलेक्टर एस बी सिंह से चर्चा कर जनपद सीईओ को हटवाने की बात रखी थी जिस पर कलेक्टर ने शासन स्तर पर जनपद सीईओ को हटाने का आश्वासन दिया था लगातार जनपद सीईओ की कार्य प्रणाली को लेकर ग्रामीणों के द्वारा पदाधिकारियों से शिकायत की जा रही है नवी युवक कांग्रेस प्रदेश सचिव अजीत शुक्ला कांग्रेसी सिलौंडी मंडलम अध्यक्ष नीरज राय नवी युवक मंडल अध्यक्ष रवि अवस्थी और धीम मंडलम अध्यक्ष ओंकार शर्मा ने जानकारी में बताया की बड़वारा में आयोजित कार्यक्रम आपकी सरकार आपके द्वार के दौरान मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंप तत्काल हटाने की मांग की जा रही है जनपद सीईओ के मनमानी कार्य प्रणाली से शासकीय योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है जुलाई 2017 में सतना जिले के नागौर जनपद में 16 सदस्यीय लोकायुक्त की टीम ने सरपंच पति की शिकायत पर जनपद सीईओ के के पांडे को बीस हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था इसके पूर्व भी शासकीय योजनाओं में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जनपद सीईओ पर निलंबन की गाज गिर चुकी है ढीम्र खेड़ा पद स्थापना से लेकर जनपद सीओ के द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है जिन ग्राम पंचायतों में लेन देन हो जाता है तो शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता और जिन पंचायतों में लेन देन नहीं होता तो बिना कारण कार्यवाही कर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है ऐसे भ्रष्टाचारी को अगर तत्काल नहीं हटाया जाता तो सरकार की छवि धूमिल हो जाएगी और गरीबों का जनप्रतिनिधियों और सरकार से विश्वास हो जाएगा संवाददाता ढीमरलखेड़ा रलखेड़ा अनूप दुबे